हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए लेके आया हूँ हैसब्रो मार्वल लेजेंड्स थॉर फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक्शन फिगर रिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहले हम इसके बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स की बात करें तो यहाँ लेजेंड सीरीज लिखा है, और इधर मार्वल एवेंजर्स एंड गेम थॉर और इधर एक हैसब्रो का लोगो दिया है, और ऊपर भी एवेंजर्स का लोगो दिया है। इधर नीचे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, साइड में हमें थॉर की इमेज दे रखी है बहुत ही अच्छी, और दूसरी साइड में भी वही इमेज है, और पीछे भी थॉर की बहुत ही अच्छी इमेज है, और इधर थॉर के बारे में लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इधर हमें इस वेव के कुछ फिगर्स की इमेज दे रखी है, और ये बिल्ड फिगर थैनोस वेव है। तो गाइस, ये थी पैकेजिंग। अब हम फिगर को बाहर निकाल के देखते हैं ये फिगर कैसा है। सो गाइस, ये रहा थॉर आउट ऑफ द पैकेज, और सच बताऊँ तो मुझे फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और फाइनली ये फिगर मेरे पास आ चुका है। फिगर को देखने से पहले हम इसकी एक्सेसरीज़ की बात कर लेते हैं। इसके साथ टू एक्सेसरीज आई हैं, एक स्टोन ब्रेकर और एक आर्म थैनोस का हेड। सबसे पहले हम स्टोन ब्रेकर को देख लेते हैं। स्टोन ब्रेकर की बात करें तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी स्कल्पटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम मेटालिक लग रहा है, और ये भी काफ़ी अच्छा बनाया है हैसब्रो ने। तो गाइस, ये था स्टोन ब्रेकर। सो अब हम देख लेते हैं आर्म थैनोस का हेड। ये देखिए, सच बताऊँ तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसकी स्कल्पटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पेंट भी, और ये ऊपर से है। मुझे तो ये इसकी स्कल्पटिंग काफ़ी अच्छी लगी। ये देखिए, तो गाइस ये था आर्म थैनोस का हेड। और अब एक्सेसरीज के बाद अब हम फिगर को देख लेते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा फिगर, और सच बताऊँ तो इसकी आर्टिकुलेशन, इसकी डिटेलिंग, स्कल्पटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका हेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कल्प्ट किया गया है। इधर हमें कट भी मिल जाता है, ये साइड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पीछे से, और ये दूसरी साइड से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ऊपर से इसके हेयर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो गाइस, ये थी हेड की डिटेलिंग। अब हम बॉडी को देख लेते हैं। इसकी बॉडी की स्कल्पटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, और इसकी आर्म्स की फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसकी लेग्स की स्कल्पटिंग पेंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, और ये इसका केप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं चाहता था तो इसके साथ वाइट केप होता, लेकिन कोई बात नहीं, और ये केप के पीछे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कल्पटिंग है। तो गाइस, ये थी इसकी स्कल्पटिंग। अब हम इसकी आर्टिकुलेशन को देख लेते हैं। आर्टिकुलेशन की बात करें तो इसका हेड 360 डिग्री रोटेट करता है, और थोड़ा सा हेड पिवट भी है, और ये इतना ऊपर तक देख सकता है, काफ़ी ज़्यादा देख सकता है, और काफ़ी ज़्यादा नीचे भी देख सकता है। इसकी आर्म इतनी ऊपर जाती है, और बाइसेप स्विवल भी है, डबल जॉइंटेड एल्बोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और 360 डिग्री रिस्ट रोटेशन भी है, और इसका हैंड अप और डाउन मूव भी करता है। हमें इसके साथ ही एक डायफ्राम जॉइंट मिल जाता है जो 360 डिग्री रोटेट करता है, और इतना ये आगे जाता है और काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है। इसके साथ हमें वेस्ट कट नहीं मिलता, सिर्फ डायफ्राम जॉइंट ही मिलता है, और इसकी लेग इतनी ऊपर तक जाती है, और थोड़ी सी पीछे भी चली जाती है। इसके साथ हमें अपर थाई कट मिल जाता है जो 360 डिग्री रोटेट करता है,
और इसके साथ डबल जॉइंटेड नीज़ भी मिल जाती हैं जो इतनी आगे तक जाती हैं। इसके साथ हमें बूट कट भी नहीं मिलता और इसका फुट इतना ऊपर जाता है और काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है। और इसके साथ एंकल पिवट भी है जो कि 360 डिग्री रोटेट करता है। तो गाइस ये थी इसकी आर्टिकुलेशन जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब आर्टिकुलेशन के बाद अब हम इसके साथ कुछ हाइट कंपैरिजन कर लेते हैं। गाइस ये रहा मार्वल लेजेंड्स कैप थॉर के साथ और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड कैप्टन अमेरिका थॉर से छोटा है। और ये रहा बेसिक फिगर थॉर का और ये है बेसिक फिगर मार्वल एवेंजर्स कैप का। और ये रहा हमारा हल्क थॉर के साथ। सो गाइस दैट्स माय वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पीस।